गुड मॉर्निंग डियर मॉर्निंग स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन। पे अटेंशन हियर, योर कंप्यूटर टीचर श्वेता तिवारी इज योर स्टूडेंट। टेक योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन चैप्टर 3। चैप्टर नेम इज टूल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट, सो टूडे आई विल एक्सप्लेन, आई विल टीच यू द रेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, यू विल ओपन पेज नंबर 27। ओके, so students, you completed last day homework. Okay, very good. And next, firstly I will explain, then I will give you some work, okay, related to today's class. Okay, so first topic is selecting the text. It means how can select a text, okay, before editing and formatting. Okay, you will have to select given text, yeah, typed text or typed document in MS Word document area. Okay, जब भी हम किसी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, ओके, या कुछ उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, सो हियर दिस इज अबाउट टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट की बात हो रही है। ओके, टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड सिंप्लीफाई डबल क्लिक ऑफ द वर्ड। अगर वर्ड पर आप डबल क्लिक कर दो तो एक सिंगल वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट अ सेंटेंस और पैराग्राफ और द होल टेक्स्ट, प्लेस और माउस पॉइंटर बिफोर फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस एंड ड्रैग द माउस वाई होल्डिंग डाउन लेफ्ट बटन ऑफ द माउस ओवर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट पर रखिए और उसको प्रेस करके रखिए और उसको आप माउस पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाइए, ड्रैग करते हुए ड्रैग करिए। ओके, अपना आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट इन वर्ड, यू कैन यूज शॉर्टकट कीज। ओके, वैसे तो कंट्रोल ए, आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। आप शिफ्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो एरो की होती है ना शिफ्ट के साथ, आप उसको यूज करेंगे वो भी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो, किस किस के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटायर डॉक्यूमेंट, कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लाइन को कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक सिलेक्ट अ पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ एंड सिलेक्ट लाइन टिल एंड लास्ट तक। शिफ्ट होम, ओके, एंड सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम बिगनिंग। अब देखिए यहाँ पर जस्ट मैंने अभी बताया ना शिफ्ट एरो की, एरो की इट मीन्स अगर लेफ्ट का सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो की यूज करोगे, राइट को करना है तो राइट शिफ्ट के साथ एरो की, डाउनवर्ड करना है तो डाउनवर्ड की एरो की, एंड अपवर्ड करना है तो अपवर्ड की एरो की। ओके, नेक्स्ट डिलीटिंग अ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीटिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 ways। To delete a letter, place the cursor to the left of the letter and press delete key. Then your text will be deleted. Okay, will delete. Okay. And next, to delete a word. अगर आपको word यहाँ पर letter को था, word means एक शब्द, first क्या एक शब्द हो गया ना, okay. सेलेक्ट द वर्ड एंड देन प्रेस डिलीट की, डिलीट की प्रेस करिए डिलीट हो जाएगा। टू डिलीट पैराग्राफ सेंटेंस, तो आपको उसके लिए क्या करना है, डिलीट करने एडिटिंग के लिए भी आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट करने के लिए भी सिलेक्ट करना है, जिस भी टेक्स्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो पैराग्राफ और सेंटेंस को डिलीट करने के लिए आपको पैराग्राफ सेंटेंस को सिलेक्ट करना है और डिलीट की प्रेस कर देना है। ओके, नेक्स्ट मूविंग द टेक्स्ट। Copy means to make the same as another text. This can be done by copy and paste commands present in clipboard. Okay, copy means copy करना, किसी भी text को copy करना, it means वो text भी बना रहेगा जिसको आपने copy किया है और आपका text जो है clipboard में चला जाएगा, उसके बाद आपको कई बार many times you can paste. Okay, सेम एज अनदर टेक्स्ट, यानी कि बिल्कुल सेम वैसा ही टेक्स्ट आपको कहीं पर पेस्ट करना है, लेके जाना है, तो उसके लिए कॉपी यूज करते हैं। दिस कैन बी डन बाई कॉपी पेस्ट कमांड्स
present on clipboard group, we can also move the text from one place to another. Okay, we can also move the text. Text को हम एक place से दूसरे place पर move करा सकते हैं and paste. किसके through? By using cut and paste commands. Okay, to copy text, follow. To copy the text, follow the given steps. So number one, select the text which you want to copy. आप जिसको copy करना चाहते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है उसको select करना है. Next, click on home tab. Home tab पर click करिए. Next, click on the copy from clipboard group. Okay, copy पर click कर देंगे. Put the cursor at the place where you want to paste your copied text. Next, select click on the paste option from the clipboard group. Okay, shortcut keys भी हैं आपका. Control C से copy हो जाता है. Control V. Okay, यानी कि CTRL इसके साथ अगर आप प्रेस करेंगे C तो कॉपी हो जाएगा. ओके, और नेक्स्ट CTRL मींस ये की आपके कीबोर्ड में होती है ना, उसको देखिएगा. V प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, और एक मेथड तो इसमें दिया गया है. गुड. अंडू एंड रीडू. ओके, undo and redo, आप इसको ध्यान दीजिए. undo means करना. ओके, un मतलब it means जो आप डन कर चुके हैं, जो आप कर चुके हैं वर्क को उसको बैक करना, वापस करना, उसको रिमूव करना. undo option is clicked to cancel command which has given earlier. to undo, click undo button on the quick access toolbar. ओके, redo, redo means जो आपने undo किया है, redo उसको बैक करना है. redo option is click to reverse कर the action of undo command के through आपने जो भी cancel किया है. to redo, click the redo button on the quick access toolbar. okay, undo and redo. okay, next students, you will solve exercise number one of this chapter. so number one, in MS Word Windows you can format. फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेट. ओके, नेक्स्ट, शेप एंड लुक ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड, यानी कि लेटर का जो शेप और लुक होता है उसको क्या कहते हैं, फॉन्ट. ये टू में लिखेंगे आप, फॉन्ट, एफ ओ एन टी. ओके, कॉपी मींस टू मेक. थ्री, सेम, you will write here same as another. okay, another text aapki book mein another, to hum yahan par write karenge a n o t h e r. okay, another. okay, next d, you will write groups, g r o u p s, groups. and next tabs, t a b s, tabs. okay, groups and tabs parts of the ribbon. last, change in document is called, yani ki document mein agar hum koi change karte hain to wo kya kehlati hai, editing. editing aap fifth mein likhenge. okay, e d i t i n g, editing. okay, first format, second mein font, third mein same another, and fourth mein groups and tabs, and fifth mein editing. okay students, so it's enough for today class. have a nice day and take care yourself. okay, bye bye students.